बिस्मिल्लाह मारवानी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 45 क्लास 2 इंग्लिश। यूनिट नंबर 8 टॉपिक राबिया एंड नमूना। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था राबिया, नमूना और ताहा के बारे में कि वो लोग कैसे एक रिवर के एज पे वो उनका घर होता है और वहाँ पे वो जो राबिया होती है वो बोर्ड्स बनाना सीखती है। फिर वो दोनों बहन भाई बोर्ड्स बनाते हैं और उसका भाई बोलता है कि मैं अपनी बोट को अभी तैराना चाहता हूँ पानी में, तो वो उसका पाँव जो है वो स्लिप्ट होता है और वो पानी के अंदर दरिया के अंदर वो गिर जाता है और राबिया उसको बचाने की कोशिश करती है। अब नेक्स्ट देखिए इसकी स्टोरी। 12-year-old मेमूना वाज स्टैंडिंग नियर बाय, शी सा द चिल्ड्रन इन द वाटर। 12 साल मेमूना नज़दीक ही खड़ी थी, इसने पानी में बच्चों को देख लिया। मेमूना जंप्ड इनटू द रिवर एंड कॉल्ड राबिया। मेमूना ने दरिया में छलांग लगाई और राबिया को पकड़ लिया एंड राबिया हेल्ड टाइटली ऑन टू ताहा और राबिया ने ताहा को मजबूती से पकड़ लिया। मेमूना वाज अ गुड स्विमर, मेमूना एक अच्छी तैराक है। शी हेल्ड तैराक थी, शी हेल्ड द टू चिल्ड्रन विद वन हैंड एंड स्वैम टू द शोर। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट बट शी डिड इट। इसने एक हाथ से दोनों बच्चों को पकड़े रखा और तैरती हुई साहिल तक पहुंची। ये बहुत मुश्किल था मगर इसने कर दिखाया। सून ऑल थ्री चिल्ड्रन वर सेफ ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। जल्द ही तीनों बच्चे दरिया के किनारे पर महफूज थे। ऑल थ्री ऑफ देम हैड स्वेलोड अ लॉट ऑफ वाटर। इन तीनों ने बहुत सा पानी निगल लिया था। But they were all safe because first Rabia and then Memuna had been so brave. मगर वो सब महफूज थे क्योंकि पहले राबिया और फिर मेमूना ने नहायत बहादुरी दिखाई थी। तो स्टूडेंट ये स्टोरी थी राबिया, मेमूना और ताहा की कि कैसे उन लोगों ने वो बोट्स बनाई और फिर वो पानी में गिर गया और मेमूना ने उन दोनों राबिया को और ताहा को दोनों को बचाया क्योंकि वो दोनों जो थी वो एक ब्रेव गर्ल थी। अब नेक्स्ट इसके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग देख लें। नियर बाय NEAR वी वर नियर बाय बहुत करीब। कॉट CAUGHT पकड़ा हुआ। नेक्स्ट है स्विमर SWIMMER स्विमर तैराक। नेक्स्ट है डिफिकल्ट DIFFICULT डिफिकल्ट मुश्किल। नेक्स्ट है ब्रेव BRAVE ब्रेव बहादुर। नेक्स्ट है सेफ SAFE सेफ महफूज। सो स्टूडेंट ये आप लोगों के वर्ड मीनिंग है डिफिकल्ट। आप लोगों ने इसकी रीडिंग करनी है इस पूरे चैप्टर की ट्रांसलेशन के साथ और इसमें जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स थे वो आप लोगों ने याद करना है और इनको अच्छे तरीके से याद करना है। ओके अल्लाह हाफिज।